"قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا" الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين حضرين غرامي. جادو جنات كحقيقة. حقيقه और इलाज के ताल्लुक से बात चल रही है गुदिशता दरूस में हमने ये मालूम किए कि जादू जन्नात के असरात में मुबतला होने से पहले हमें क्या क्या एहतियात करना चाहिए और फिर मुबतला होने के बाद हमें क्या क्या इलाज करना चाहिए इस सिलसिले में बात चल रही है कि अगर अल्लाह ना करें जादू में मुबतला हो जाए सहरजदा हो जाए जन्नत के असरात में मुबतला हो जाए तो उसके लिए इलाज क्या क्या है गुजशत दरुस् में हमने कुछ बातें मालूम किए हैं आज से बाकायदा तौर पर शहर के किस्में उसकी आलामतें और उनका इलाज ये इन मालूम करेंगे अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया नुनजल मा हुवा शिफ़ा और हमने कुरान मजीद को उतारा जो कि मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है तो क़ुरान के ज़रिए से इलाज करना चाहिए माशरद अल्लाह ताल की हदीस है कि जिसमें वसल्लम के पास एक खातून के इलाज के सिलसिले में खाूँन आकर पहुंची तो आपली व्ल्लम ने जरत आयशा दिल्ला तना से फरमाया, फरमायाब आए आयशा तुम अल्लाह के किताब के जरिए से इनका इलाज करो तो अल्लाह के किताब के जरिए से यानी उसके रूहानी इलाज कैसे कर सकते है? हमने इससे पहले मादी इलाज कुछ मालूम किए हैं अब रूहानी इलाज कैसे करना है और कौन से जादू का इलाज क्या है हम मालूम करेंगे कि करके तो जादू की कस्मों में से पहली कस्म है जिसको सहर तफरीक कहा जाता है यानी वो जादू जिसके जरिए से जुदाई डालने का काम होता है मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई नफरत दो चाहने वालों के दरमियान जुदाई नफरत दो रिश्तेदार अकारब के दरमियान जुदाई नफरत इसको कहा जाता है सहर तफरी यानी जुदाई डालने वाला जादू जादू की जो बुनियादी आयत है बकारा की आयत नंबर 102 जिसमें हारूत और मारूत का तस्करा है अल्लाह ताला ने उस एक आयत में सारी तफसीलात बयान किए हैं तो जादू की हकीकत के ताल्लुक से अल्लाह ने बयान फरमाया फैतमोना मिन हम मा यूना बिही बैन अल्मर वोजी ये लोग ये जादूगर यहूदी लोग इन दोनों फरिश्तों से जादू सीखते हैं और इस जादू के जरिए से क्या करते हैं युफर्रकून तफरीक डालते हैं बैन व इौजी आदमी और उसकी बीवी के दरमियान तो तफरीक सहरे तफरीक देखिए तफरीक डालने का काम होता है जादू के जरिए से और शैतान सबसे ज्यादा खुश होता इसी से शैतान सबसे ज्यादा खुश होता इसी से सुनान से सही अदीस है प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपना अर्श या अपना तख्त बिछाता है पानी पर पानी पर अपना अर्श अपना तख्त बिछाता है बिछाने के बाद अपने छेले चंटों से रिपोर्ट लेता है आओ तुमने क्या किया तुमने क्या किया तुमने क्या किया कोई आके कहता आज मैंने ये काम किया वो काम किया तो शैतान कहता तुमने कुछ नहीं किया तुमने कुछ नहीं किया ये तुम्हारा कोई बड़ा काम नहीं है एक शैतान आता वो कहता है आज मैंने मियां बीबी में जुदाई डाल दी मुसलसल उनके पीछे लगा रहा और दोनों में जुदाई और नफरत डालने में मैं कामयाब हो गया शैतान उठता है इबलिस उठता है और उठने के बाद उसको गले लगाता है और कहता है अंता अंता तू है काम का आदमी तू है काम का आदमी तो शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इसी में होती है क्योंकि ये जो रिश्ता है ना ये बुनियाद है ये मजबूत है ये रिश्ता जितना मजबूत मिया बीवी का रिश्ता सारे रिश्तेदार उतने मजबूत और ये रिश्ता जितना लड़खड़ाएगा, जितना परेशान होगा सारे रिश्तेदार परेशान रहेंगे इसलिए शैतान की कोशिश होती है कि पहले इसको पकड़ो अल्लाह ताला ने दुनिया के पहले इंसान आदम और हव्वा हिमद सलाम को पैदा करने के बाद जन्नत में रखा ना दोनों के दरमियान जो रिश्ता जोड़ा कौन सा रिश्ता था मियाँ और बीवी का रिश्ता अभी इंसान के कोई रिश्ते वजूद में नहीं आए थे यह पहला रिश्ता मियां और बीवी का रिश्ता है और इस रिश्ते में अगर गड़बड़ कर दो सारों को गड़बड़ कर सकते हैं इसीलिए शैतान आया और इन दोनों को बहकाया बहकाने की कोशिश किया तो मियां बीवी में जुदाई डाल दे शैतान बहुत खुश होता है तो यह तफरीक कुरान से इसका सबूत और हदीस से इसका सबूत मिला हरे तफरीक की कई शक्लें हैं मां और बेटे के दरमियान जुदाई औलाद वालिदैन के दरमियान जुदाई और नफरत भाई भाई के दरमियान बहन बहन के दरमियान जैसे कभी मैंने मालूम किया अब इसकी अलामत क्या क्या है मिया बीवी के दरमियान हो भाई भाई के दरमियान रिश्तेदार और करीब दो चाहने वाले के दरमियान ये जो सहरे तफरीक हैं इसकी अलामतें क्या क्या हैं पहली चीज पहली अलामत कि एकदम मोहब्बत और अपनाइत का माहौल एकाएक नफरत में बदल जाए म्या भी अच्छे भले थे खुश खुर्रम थे अचानक इतनी नफरत बढ़ गई है इतनी दुश्मनी आ गई दोनों के दिलों में तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है दो भाई दो बहन दो रिश्तेदार दो दोस्त खूब अच्छे मिलके थे अचानक सख्त नफरत और दुश्मनी में तब्दील हो गई तो याद रखो एक अलामत है दूसरी अलामत आपस में दोनों के शुकु को शुभात बढ़ जाना बात बात में शक करने लगना बात बात में शक करना मियां बीवी पे बीवी मियां पे दोस्त दोस्त पे रिश्तेदार रिश्तेदार पे आपस में शुकु को शुभात बढ़ जाना तीसरी अलामत दोनों में से कोई भी एक दूसरे का एक्सक्यूज कबूल नहीं करना कितना भी आके बताए कि देखो ये मेरी मजबूरी थी ये मेरी एक्सक्यूज है ये मेरा उजुर है नहीं कबूल करने तैयार ना होना जिद हर धर्मी पे अड़े रहना तो समझ लो कि कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है फिर इसी तरह से छोटा सा सबब लेकर बड़े से बड़ा इख्तलाफात और बड़े से बड़ा मसला खड़ा हो जाना छोटी सी बात है मामूली सी बात है और उस बात के बतंगड़ बना के रत्ती को हत्ती करना बोलते ऐसा मामला है हां तो ये हो जाता छोटी सी बात है लेकिन कहां से कहां पहुंच जाए और कोई किसी से जाके मिलने सॉरी का एक लफ्ज बोलने से बड़े बड़े मसले हल हो जाते ये अपनी जगह पर अड़े वो अपनी जगह पर अड़े हुए है तो समझ लो कि दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है और तौर से अगर मियां बीवी की बात हो तो बीवी की शक्ल देखते ही मियां को गुस्सा आ जाए शौहर की शकल देखते बीवी को गुस्सा आ जाए या देखते ही शकल लगे कि डरावनी सूरत है या नफरत अंगेज सूरत है देखते ही जो चाहत और मोहब्बत वाली बात थी वो ना होके एक दूसरे को देखना नहीं नफरत एक दूसरे की सूरत देखो तो अजीब तरह की बात है फिर तो इसी तरह से मियां बीवी आपस में मिले तो उसमें लज्जत नहीं या उसकी चाहत भी नहीं भी आपस से मिलने की चाहत भी नहीं और एक दूसरे से सेटिस्फाइड भी नहीं और एक दूसरे में लज्जत भी नहीं है यह भी एक अलामत है सहर तफरी के लिए जुदाई डालने के लिए फिर इसी तरह से जिस पर जादू किया जाता है वो अपने साथी के हर काम को नापसंद करता है हर काम को नापसंद करता है कितने अच्छे से अच्छा काम करो लेकिन वो नापसंद ही करता रहेगा इसी तरह से जिस पर जादू किया जाता है वो उस जगह को पसंद नहीं करता जहां उसका साथी बैठा हुआ हो चुनाचे आप देखेंगे कि खाविंद घर से बाहर बहुत अच्छी हालत में होता है घर के अंदर आते ही उसका मूड बदल जाता है बीवी बाहर सबके साथ ठीक ठाक है सारे रिश्तेदार के साथ अच्छी है शौहर के साथ अच्छे नहीं है तो समझ लो कि यह शहर का असर है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर है ऐसी बहुत सारी अलामतें बयान की गई हैं ये चंद अलामतें थी सहर तफरीक के लिए अभी ये सहर कैसे वाक हो जाता है इसके वाक्य कैसे होता है एक शख्स जादूगर के पास जाता है जाने के बाद वो कहता है कि देखो इनको दरमियान जुदाई डालो जादूगर कहता है कि उनके जिसम की कोई चीज लेकर आओ या ये करो वो करो काला बकरा जबा करो या मुर्गा लेकर आओ गैर के नाम पे जबा करो शिर करवाता है उसके बाद किसी जिनको क्या करता है मुसल्लत कर देता है अब उसकी डरावनी सूरत एक दूसरे को शक शुबात हमेशा उसके दिल में वसवसा डालना ये सब काम करता रहता है इसका इलाज सहर तफरी का इलाज इसके इलाज के अहले इल्म ने तीन स्टेजेस बयान किए हैं तीन अलग अलग मरहले बयान किए हैं पहला मरहला इलाज से पहले मरीज के घर की फिजा को दीनी बनाना चाहिए उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने घर के माहौल को दीनी बनाए अगर वहां पर म्यूजिक गाने बजाने के आलात हैं टीवी, फिल्म बीनी सीरियल यह सब चीजें गैर शरी काम अगर हो रहा है घर का माहौल दीन का माहौल नहीं है ना कुरान की तिलावत है नमाज की पाबंदी है ना जिक्र असक के अहतमाम है कुछ नहीं है तो पहले आप इसको बदलो घर का माहौल क्योंकि गलत चीजों की वजह से शैतान आएंगे फरिश्ते नहीं आएंगे घर में फोटो रखे हैं घर में कुत्ता पाल के रखे हैं घर में म्यूजिक है गाने बजाने हैं शैतान आएगा खुश होके फरिश्ते आएंगे नहीं आएंगे इसलिए आप पहले ये घर का माहौल बनाओ फरिश्ते रहमत की दुआ और रहमत और बरकते लेकर आएंगे शैतान हमेशा जहमत लेके आएगा फिर उसके बाद मरीज के पास अगर शिर किया कोई चीज है तावीज कड़ा पलीते कुछ रखा रखा है उनको पहले दूर करें उनको पहले हटा दें क्योंकि इन शिर किया कामों के साथ आपका इलाज सही माने में नहीं हो पाएगा फिर इसी तरह से अगर उसके जिंदगी में शरीयत के खिलाफ कोई काम है हराम काम करता है कारोबार है सूद खाता है लेता देता है और लोगों को धोखा देता है चोरी डकैती वाला मामला है नशा के आदि है नशा करता है बीड़ी सिगरेट पान परा गुटका सर्दा ये सब खाता है या शराब के नौजिल्ला आदि है इन सब चीजों को पहले छोड़ें पर इसी तरह से उसको चाहिए कि अपना अकीदा और तवक्कुल दुरुस्त करें अच्छी चीजों से मोहब्बत पैदा करें बुरी चीजों से नफरत होनी चाहिए फिर उसके बाद मरीज की तशीस के लिए अब देखें कि ये सब मरहले घर के ये सब माहौल कुछ एक्सटर्नल चीजें हैं इन सब चीजों को दूर करने के बाद अब उसके बाद दूसरा मरहला आता है कि इलाज करें इलाज करें अब इलाज के लिए आप क्या करें आप कुरान की आयतें हैं उन आयतों को पढ़ें कुरानी आयतों को पढ़ें अपना हाथ मरीज के सर पर रख लें और तरतील के साथ तजवीज के साथ अच्छे अंदाज में उनके कान में ये आयतें और सूरतों की तिलावत करते रहें। अगर मरीज खातून है तो तन्हाई में उसका इलाज ना करें उसके महरिम में से किसी को साथ में बिठा लें। महरिम में से किसी को बिठा लें। अगर पकड़ने छूने की नौबत आए तो उसके महरिम को कहे कि वो पकड़े छुएं। लेकिन ये देखा जाता जीव तमाशा के इलाज करने वाला इलाज के नाम पर गैर महरम औरतों को छू रहे हैं टच कर रहे हैं और पता नहीं कहां कहां पर उसको जो है टच कर रहे हैं और इलाज के नाम पर इसके नाम पर याद रखो ये गैर शरी काम है नहीं होना चाहिए सही चीज करने जाके गलत चीज का सहारा लेना ये दुरुस्त नहीं है फिर उसके बाद जिन सूरतों को पढ़ना है उन आयतें और सूरतें हैं अब इसके लिए काफी वक्त दरकार है जो रुके की आयतें वगैरह हैं वो पढ़ते रहें मुसल पढ़ते रहें और पढ़ते पढ़ते उसके ऊपर दम करें पढ़ते रहें पानी पे दम करें उसको छीटा मारें वो पानी उसको पिलाएं उससे गसुल दिलाएं ये एक तरीका होता है एक दूसरा मरहला इसको इलाज का इसी तरह से इलाज का एक तीसरा और आखिरी मरहला है कि इलाज के बाद इलाज हो गया अच्छा हो गया अब उसको चाहिए कि जो अच्छा माहौल है अच्छी हालतें हैं उस पर डटे अस्कार की पाबंदी करते रहें गलत चीजों को छोड़े अच्छी चीजों पर रहें और अकीद और ईमान के साथ नमाजों की पाबंदी वगैरह करते रहें तो इन शाह आहिस्ता आयिस तबर ते सहर तफरीक से उसको निकाल बाहर करता है कभी कभार बहुत सख्त तरीके से हो तो वक्त लगता है लेकिन हराम रास्ते में नहीं जाना चाहिए ये कभी बेरी का पत्ता बेरी के पत्ते वगैरह के जरिए से भी उसका इलाज होता है कि पानी में दम करें बेरी के पत्ते में दम करें फिर उसके बाद सात पत्ते को अच्छी तरह से पीसे पीसने के बाद पानी में मिलाएं उसमें से थोड़ा पानी पी लें और बाकी पानी से गुसल करें यह अमल सात दिन करें यह भी बहुत मुजर्रब नुस्खा है साथ ही साथ शहद और दीगर चीजों का इस्तेमाल जैसे कि पहले बताया कलों है ब्लैक सीर से इनका इस्तेमाल है बारिश का पानी का इस्तेमाल जादू जिन्नात के इलाज के लिए बहुत मुफीद है की ला ला से, तबरक ताला हमें और आपको जादू जन्नात के असरा से महफूज रखे आमीन सुबान